अच्छा सीता जैसी बहू किस किस को चाहिए, जरा हाथ उठाना एक बार। नहीं नहीं इधर वाले भी उठाओ सर, चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो अगर आप सबको सीता जैसी बहू चाहिए ना, तो अपनी वालियों को सुपनखा बना करके मत भेज देना। तुम अगर तुमने अपने वाली सुपनखा बना करके भेज दी, तो किसी ने तुम्हारे लिए भी सुपनखा की मैन्युफैक्चरिंग की जरूर होगी। अगर तुम चाहते हो मेरे घर में मैया सीता जैसी बहू आ जाए, तो क्या कहना? कई बार बेमोल जी ने लिखा, माँ सुने ना कह रही है क्या, कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में, सबे कुछ पड़े काए बेटी सेखना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में, सबे कुछ पड़े काए बेटी सेखना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके, ¡Gracias!
अगर तुम गलती करती थी तो हम भी तुम्हें डांट देते थे, अगर वहां भी कोई डांटे तो बुरा मत मानना, बड़ों का अधिकार है और बड़े जो भी कहते हैं वो भलाई के लिए कहते हैं। क्यों कहते हो बेटियों से ये? आजकल क्या कहते हैं, हमने तो फूलों की तरह पाला है, हमने तो एक गिलास पानी का भी नहीं लिया, यही बोलते हैं ना आज। ये शान की बात नहीं है ज्यादा। एक चीज पहले के समय की माताओं से पूछना, जो गर्व के साथ में बताती थी, मेरी लड़की को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये इतना काम करती है, ये ऐसी है, सब चीजें बताती थी। आज क्या कहती, हमने फूलों की तरह पाला है, एक गिलास भी पानी का लेकर के ही नहीं पिया। जब तुमने गिलास पानी लेकर के नहीं पिया, वो दूसरे के घर में जाकर के उनकी सेवा कैसे कर देगी, वो कैसे उनको रोटी बना करके खिला देगी? जरा विचार करो, चिंतन करो। ये बातों, मेरी माताओं, इस बात को समझना, ये कोई गर्व की बात नहीं। और मैं इस बात को भी नहीं कह रही कि बेटियों को पढ़ाओ मत, आप उनको पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन बचपन से ऐसी आदत भी उनको जरूर डालो कि घर के सब काम भी वो करें, ताकि वो जिनके घर में जाए उनको आराम से, सम्मान से दो रोटी बना करके, जोर से बोलो, खिला सके। ये पहले से कह करके भेजो कि अगर तू गलती करेगी तो तेरी सास भी डांटेगी। वहां ये मत सोचना इसने मुझे कही क्यों दिया। आज तो नाक इतनी ऊंची हो चली है, इतनी ईगो आ चुकी है, जरा सी बात सास कह दे अपनी नाक पर ले लेती, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे ये कहने की? इससे घर नहीं बनते। मंदिर में जिस मूर्ति को स्थापित किया जाता है ना मेरी मातों, उस मूर्ति को भी बहुत चोट सहनी पड़ती है, तब जाकर के वो मंदिर में मूर्ति लगती है। और तुम सोचते हो ये घर परिवार ऐसे ही चल जाएंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। इन घर परिवारों को चलाने के लिए तप करना पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, कभी सुनना भी पड़ेगा और कभी कहना भी पड़ेगा, तब जाकर के ये घर परिवार चलते हैं। हवा में घर परिवार नहीं चलते, ध्यान रखना। इसलिए मजबूत पीठ करके भेजो, मजबूत बना करके भेजो। जो विवाह के समय शिला रोहण की परंपरा है वो क्यों है? लड़की का भाई उसका दाया पैर उठवा करके एक शिला पर रखवाता है, क्यों? मेरी बहन, तू जिस घर के अंदर जा रही है, हो सकता है कभी परिस्थिति तेरे बिल्कुल विपरीत हो, पर उस विपरीत परिस्थिति में भी चट्टान की तरह मजबूत बनकर के अपने घर को जोड़ने की बात करना, घर को तोड़ने की बात मत करना। ये संस्कार दे करके भेजे जाते हैं। इसलिए क्या कह रही है, दोनों हाथ खोल दीजिए एक साथ, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलिए जय श्री राम। Happy।
ससुराल में सब कुछ पड़ेगा ए लटो सेना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में मांगे दुलारी मेरा कितना इस भांति जेना जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा ए लटो सेना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में 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 सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। इतने उत्तम संस्कार और विचार देकर के मां ने विदा किया, बेटी अपने मायके पर कभी घमंड मत करना और ससुराल पर कभी हीन भावना का शिकार मत हो जाना। सुख दुख कोई भी परिस्थिति हो, पति का हाथ और साथ बिल्कुल मत छोड़ना। कर दी विदा। अवध में आई है आज लक्ष्मी, तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, रंग भूमि जब सिए पग धारी देखे रूप चकित नर नारी।